नगर परिषद पालमपुर के मनोनीत पार्षदों के लिए आयोजित शपथ समारोह में स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पालमपुर को निगम का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने नगर परिषद पालमपुर के मनोनीत पार्षदों के लिए आयोजित शपथ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि लोगों को संबोधित करते हुए दी। मंत्री ने कहा कि पालमपुर का अपना ऐतिहासिक महत्व है और सरकार शहर के महत्व को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि पालमपुर अनुकूल वातावरण और नैसर्गिक सौंदर्यकरण के चलते पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि शहर में बढ़ते जनसंख्या के दबाव के मद्देनजर तथा शहर में सुविधाओं का अधिक सृजन समय की जरूरत है। उन्होंने आने वाले समय में पालमपुर को निगम का दर्जा देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। परमार ने चारों मनोनीत पार्षदों को प्रदेश सरकार और अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई दी। वो आ चुकी है, इसलिए आने वाले दिनों में बढ़िया इंडोर स्टेडियम जो है हमारे बिल्कुल शहर के नजदीक बनेगा, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। तो तीसरा उन्होंने कहा था कि नगर निगम, तो आपकी भी आवाज ऐसी है कि नगर निगम होनी चाहिए। मैं पिछले दिनों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा ठीक है पालमपुर नगर निगम बननी चाहिए। मैंने सभी नेताओं से, मंच पर बैठे हुए नेताओं से भी विचार विमर्श किया, मैंने इस इलाके के बुद्धिजीवी बंधुओं से भी विचार विमर्श किया, तो मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक रूप से यह माना है कि हिमाचल प्रदेश में पालमपुर सुंदर शहरों में एक है और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये शहर बहुत बड़ा हो गया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आने वाले दिनों में, वर्षों में पालमपुर को हम नगर निगम बनाएंगे, ये भी हम स्वस्थ करना चाहते हैं। पर्यटन की दृष्टि से हमारा पालमपुर बहुत सुंदर है। हमने पिछले दिनों बड़े अफसर बुलाए थे, एक मैराथन मीटिंग हुई थी कि क्यों ना ऐसे कुछ काम किए जाए जो काम यहां की खुशहाली के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। हमने कहा कि पालमपुर का रोप वे बनाए, उसके लिए कठिनाइयों को दूर करें। हमारा चमुंडा हिमानी मंदिर का रोप वे छोटी सी ऑब्जेक्शन के कारण काम रुका पड़ा है। हमारा तिरुण भारतीय धर्मशाला का रोप वे, ये हमारी प्राथमिकताओं में है, क्योंकि पर्यटन एक ऐसा साधन है, माध्यम है, उसके लगने से अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलता है, बेरोजगारी भी दूर होती है। उन्नति खुशहाली के लिए जिस पालमपुर के चरणों में हिमालय जैसा पर्वत है और जो पर्वत हमेशा वो चोटियां बर्फ से हमेशा ढकी रहती है, सुंदरता हमारे बिल्कुल नजदीक है, इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश में और जिस इलाके से हम संबंध रखते हैं वहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, कोशिश दी जाए। हमारी इस संसदीय क्षेत्र में कुछ प्राथमिकताएं और उन प्राथमिकताओं को हम पूर्ण करेंगे, चाहे चंबा का वो सीमेंट का कारखाना है, चाहे पर्यटन की दृष्टि से इस इलाके में रोप वे लगाने की बात है, कल्चरल टूरिज्म को बढ़ाने की बात है, वो हमारी प्राथमिकता है, यही मैं कहना चाहता हूं। इस अवसर पर एसडीएम पालमपुर पंकज शर्मा ने चारों मनोनीत पार्षदों सचिन वर्मा, गगनदीप सिंह, राकेश गिल, मीना नागपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह ठाकुर, बैजनाथ के विधायक मुल्कराज प्रेमी, जिला भाजपा अध्यक्ष विनय शर्मा, संजीव सोनी इत्यादि मौजूद रहे।